हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल DSV फिजिक्स में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के बारे में बताऊंगा। एक लूप लेंगे जिसमें हम करंट फ्लो कराएंगे और उसकी वजह से उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की हम कैलकुलेशन करेंगे और इसमें हम एक हेल्प लेंगे बायो सेवर्ट लॉ की। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का डे डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 नंबर का ये पूछा जाता है, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो। तो अब स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। मान लीजिए ये मैंने एक लूप माना, ये एक वायर है, इसका मैंने ये लूप बना लिया, एक सर्कुलर फॉर्म में ऐसे मैंने बना रखा है। इस लूप का सेंटर ये ओ है और मान लीजिए कि इसकी जो रेडियस है वो आर है। ठीक है, मैंने एक लूप माना, ये लूप है और ये लूप कैसा है? पहले तो ये लूप एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है जिसमें करंट फ्लो हो रही है आई। मान लिया मैंने करंट इस तरह से दौड़ रही है, ये आई पूरे में फ्लो हो रही है। ठीक है, इस लूप का जो रेडियस है वो आर है और इस लूप का जो सेंटर है वो ओ है। अब बच्चों आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये बात मैं अपनी लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि जब इसमें करंट फ्लो हो रही है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड अच्छा खासा क्रिएट होगा। हमारा जो इंटेंशन है, हमारा जो मोटिव है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो इसके सेंटर पे निकालना है। ठीक है, NCERT में यही बोलता है कि आप सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड को निकाल दीजिए। तो हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पर, तो इसके लिए मुझे बायो सेवर्ट लॉ की हेल्प लेनी होगी। तो बायो सेवर्ट लॉ की हम हेल्प लेंगे, उससे पहले मुझे लाइन सेगमेंट लेना होगा। ठीक है ना, यानी मुझे एक अल्पांश मानना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, करंट की ही डायरेक्शन में, करंट मेरा ये आई मान लीजिए आपके अकॉर्डिंग ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, सामने से आप देख रहे हैं इसको, इस लेक्चर को, इस वीडियो को, तो ये क्लॉकवाइज है। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आपने क्या ले लिया, एक लाइन सेगमेंट DL ले लिया, एक अल्पांश आपने DL एज्यूम किया। और आपकी इच्छा है, आप DL कहीं पर भी एज्यूम कर सकते हैं, इस पूरे वायर में आप यहाँ एज्यूम करिए, चाहे आप यहाँ करिए, चाहे यहाँ, 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 आप फ्री हैं, आप कहीं पर भी DL को एज्यूम कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि DL आपने यही एज्यूम करना है, आप पूरे वायर पे कहीं पर भी DL को एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद में मुझे बायो सेवर्ट का लॉ लगाना पड़ेगा और फिर मैग्नेटिक फील्ड इस सेंटर पर निकाल देनी होगी। ठीक है, तो बी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू DL DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, ये आप जानते हैं बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, बायो सेवर्ट का लॉ लगाया मैंने। बायो सेवर्ट का लॉ यही कहता है कि अगर मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस सेगमेंट की वजह से, इस अल्पांश की वजह से, वो कितना बनेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, आर डिस्टेंस पर निकालना है तो आर स्क्वेयर। इस बार सिचुएशन भी यही फंसी है कि मुझे आर डिस्टेंस पर ही निकालना है, इसके सेंटर पर, तो जानबूझ के मैंने ये आर ही डिस्टेंस मान रखी है। ओके, चलिए अब आपको ये बात और पता होना चाहिए कि जो थीटा होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर DL एंड वेक्टर R। जो थीटा होता है वो DL वेक्टर और R वेक्टर के बीच का एंगल होता है। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए,
डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल हो कितना रहा है? तो देखिए डीएल वेक्टर ये रहा और आर वेक्टर ये रहा, देखिए ये एंगल आपको कितना दिखाई दे रहा है 90 डिग्री। आप कहीं पर भी अज्यूम कीजिए, मान लीजिए आप डीएल, यहाँ कोई बच्चा बोलता है सर हम डीएल इधर लेंगे, आप ले लीजिए ये डीएल वेक्टर और ये आपका हो गया आर वेक्टर, क्योंकि रेडियस तो सेम रहेगी, फिर से 90 डिग्री। आप कहीं पर भी चेक कीजिए पूरे सर्कुलर वायर पे, डीएल और आर के बीच का एंगल फिक्स रहेगा और वो 90 डिग्री ही रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल निकाला मैंने, तो थीटा इस समय कितना दिखाई दे रहा है 90 डिग्री, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि जरा मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए आपको कुछ नहीं करना, करंट की डायरेक्शन में आपका थंब रखना है राइट हैंड का, आपने थंब रखा, अपनी फिंगर को फैला लेना है और जिस पॉइंट पर पूछा जाए उस पॉइंट पर आप अपनी फिंगर को कर्ल कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से पता करना है, तो देखिए ये वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि कुछ इधर की तरफ आएगा बी। आप यहाँ से चेक कर लीजिए ये ऊपर, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये ऊपर की साइड में बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम ही है जिधर करंट की डायरेक्शन है। देख लीजिए अपनी राइट हैंड के थंब को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिर अपनी उंगलियों को फैला लेना है बढ़िया तरीके से, उसके बाद उंगलियों को कर्ल करना है यानी मोड़ना है, ठीक है। मोड़ने के बाद जिधर आपकी उंगलियां मोड़ेंगी वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की यानी बी की। अब मैंने देखा कि थीटा बीटा यहाँ पर 90 हो रहा है बच्चों, तो अब यहाँ पे वैल्यू लगा दीजिए, तो डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये साइन 90, अब साइन 90 आप लोग जानते हो, साइन 90 आपका होता है 1, साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, तो डी बी इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका डेरिवेशन, ये आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब मुझे तो जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो इस डीएल की वजह से थोड़ी ना निकालना है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड जो चाहिए मुझे पूरे वायर की वजह से चाहिए, पूरे सर्कुलर लूप के लिए चाहिए। तो पूरे सर्कुलर लूप के लिए कैसे निकालूंगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल सर्कुलर लूप, पूरे सर्कुलर लूप की वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यानी पूरे सर्कल का कर दूं मैं, पूरा ये सर्कल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में बी आ जाएगा, यहाँ देखिए म्यू नॉट बाय 4 पाई बाहर आ गया, आई अपॉन आर स्क्वायर इसको भी बाहर ले लीजिए, और ये लेंथ वाइज आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to L, ठीक है। कहीं से वायर स्टार्ट हुआ होगा 0 और ये L लेंथ का वायर है, उसकी लेंथ हो गई L, यानी ये फाइनल लिमिट हो जाएगी, अपर लिमिट हो जाएगी वो L हो जाएगी। यहाँ से बच्चों मैंने B निकाला, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन केवल L ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप लोग, कि जो ये L है वो है क्या, वो इस पूरे वायर की लेंथ ही तो है, जो L है इस पूरे वायर की लेंथ है, और ये पूरा वायर है कितना, जो ये जो पूरा वायर है वो होगा अपने सर्कमफ्रेंस के इक्वल, यानी इसकी परिधि के बराबर होगा, यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी L इक्वल टू 2 पाई आर। अब इस L की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहाँ से B इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ठीक है, अब यहाँ से 2 पाई से ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, आर से आर प्राइम कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि फाइनली यू विल गेट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। इतना मैग्नेटिक फील्ड, इतना टेस्ला, ये टेस्ला यानी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। इतना मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के सेंटर पर बनता है। ठीक है, एक हमारी डिटर्मिनेशन थी, ये हमें निकालना था इसके सेंटर पे, तो सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। आपको बस स्टेप्स दिमाग में रखने हैं, आपको किस तरह से करना है। सबसे पहले आपने डीएल एज्यूम किया, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला सेंटर पर कितना बनेगा, उसके बाद आपने होल सर्कल का आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, उसको इंटीग्रेट करके आपके सामने रिजल्ट आ चुका है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ठीक है, एक इसका न्यूमेरिकल करते हैं बोर्ड लेवल का। आप लोग बच्चों मेहनत कीजिए, मैग्नेटिज्म के रेगुलर लेक्चर आप लोगों को मिल रहे हैं, जल्दी ही मैं नीट का स्टार्ट करने वाला हूँ। नीट के सारे क्वेश्चंस 10 इयर्स के मैग्नेटिज्म के जल्दी ही आपको प्रोवाइड होंगे। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 आई बाय आर। मान लीजिए ये आपके सामने एक सर्कुलर लूप दिया हुआ है, और इस सर्कुलर लूप में मान लीजिए ये 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, और ये जो वायर है इसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर लूप। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर लूप। इस सर्कुलर लूप के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बच्चों आपके सामने पता चल गया 10 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो हो रही है, और इस सर्कुलर लूप की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड बनता कितना है एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की वजह से। तो फॉर्मूला आपको पता है ही है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। बी इज इक्वल टू, अब बच्चों म्यू नॉट की वैल्यू कैसे लगाएंगे, तो म्यू नॉट की वैल्यू आप 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -7 अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय आई करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें 10 एम्पियर का, अपॉन 2 इंटू आर, वेयर इज आर, आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दैट मीन 1 इंटू 10 टू द पावर -2। ओके, हेयर 2 टू ज़ा 4 2 पाए, एंड आंसर विल बी 2 पाए मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6 अपॉन 10 टू द पावर -2। फाइनली यू विल गेट बी इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4 टेस्ला। इतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की वजह से, इस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से। आई थिंक ये आपको न्यूमेरिकल क्लियर हुआ होगा। आप लोग मेहनत करते रहिए मेरे साथ, और इसी तरीके का प्यार बनाते रहिएगा, मुझे भी मोटिवेट करते रहिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।